तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम आओ मेला चले, कैसा लगा है आपको टैलेंट ये बताइए जरूर। देखिए आपके बताने से पूरी टीम का उत्साहवर्धन होता है, बड़ा चैलेंजेबल ये वर्क होता है। रोज डेढ़ घंटे में आपको नया परोसना जो आपको पसंद आए, हमारा प्रयास रहता है। देखिए आज भी हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया, कॉपी नहीं करते हैं। हाँ इतना जरूर है कि इस कार्यक्रम से कॉपी बहुत लोग करते हैं, ये आपने देखा होगा। नया अगर पेश करने की बात आती है तो आओ मेला चले का इतिहास 21 वर्षों का रहा है, कुछ नया हम यहाँ से आपके लिए परोसने की कोशिश करते हैं। मैं पुनः कहूँगा देखिए ट्राई के जो नियम है सिर्फ और सिर्फ केबल टीवी के लिए नहीं है, डीटीएच के लिए भी हैं। अगर केबल का दाम बढ़ा है तो डीटीएच का उससे और ज़्यादा दाम बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखें। और दोनों में अंतर एक और है, बेसिक अंतर और बताता हूँ आपको। केबल में आपको मेंटेनेंस फ्री मिलता है, आप ऑपरेटर को फ़ोन करते हैं फ्री आपके पास आता है, लेकिन डीटीएच आप ऑपरेटर को फ़ोन करिए पैसे लगेंगे आपके। अगर आपकी छतरी हिल गई है तो आपसे वो मेंटेनेंस का चार्ज लेंगे और फ्री नहीं। आप समझ लीजिए अगर आपने 500 का पैक डलवाया, महीने में एक बार छतरी हिल गई, 150 या 200 उसके जोड़ के 650 या 700 रुपये आपका मंथली, और केबल में 500 का पैक डलवाया तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। आप अंतर तो समझिए, अगर आपको फिजूल का 150-200 रुपये ज़्यादा देना है तो आप चले जाइए जहाँ जाना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा किसी भी डीटीएच कंपनी से अगर वो बोलते हैं साल भर में इतने इतने में देंगे, एक स्टैम्प उनसे लगवा लीजिए और लिखवा लीजिए। और मैं आपसे पुनः कहूँगा देखिए मित्रों YouTube पे आओ मेला चले कार्यक्रम हम लोग पर डे का पर डे डालते हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ना हो ट्राई का कोई इतना कड़क नियम आ जाए कि अगले वर्ष लोकल चैनल ही ना मिले, फिर आपको ये कार्यक्रम कहाँ मिलेगा, सिर्फ YouTube पर। और आपका मैं धन्यवाद दूंगा, 23,90,000 के आसपास व्यूवर्स आप लोगों ने कर दिया, ये आपका प्यार है। 11,000 सब्सक्राइबर, ये आपका प्यार है, इस कार्यक्रम के लिए प्यार है। किसी भी ग्वालियर केबल का ये सबसे तगड़ा प्रोग्राम आपने बना दिया है, धन्यवाद। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग जो आप पसंद कर रहे हैं 21वें वर्ष भी। तो आज के इस कार्यक्रम में देखिए एक और आज बड़ा इस साल बड़ा मुश्किल का काम है, अभिषेक के नाना जी एक्सपायर हुए हैं और पंडित जी पंकज शास्त्री जी, और अभी सडनली उनका फ़ोन आया उनकी दादी एक्सपायर हो गई हैं। बाबू के पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन आप अभिषेक का और बाबू का त्याग देखिए, यहाँ आपको वो एंटरटेन कराने जरूर आए। मैं सलूट करता हूँ ऐसे कलाकारों को कि कार्यक्रम के प्रति उनका इतना सम्मान है, इतना स्नेह है, वो जानते हैं ना आप लोग उनका इंतजार कर रहे हो, तो सब कुछ छोड़कर, शायद हो सकता है ये चीज़ें भी मुझसे सीखी हों। लास्ट ईयर मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हुई थी, मैं घर में बॉडी छोड़कर आया था, मैंने आपके बीच यहाँ प्रोग्राम बनाया था क्योंकि मेरे लिए आप ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शायद मुझसे ये सीख रहे हैं वो। तो इजाज़त चाहता हूँ मैं आज के इस कार्यक्रम में, मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, कैमरामैन वरुण जैन, गोविंद कुशवाहा, बाबू निकल गया है, अभिषेक निकल गया है, हेमंत निकल गया है, विवेक करारा मेरे साथ यहाँ पर, अमित निगोडिया मेरे साथ है, अमित के साथ में रविंद्र गुर्जर, करण मेरे साथ यहाँ मौजूद है। तो मैं पूरी टीम के साथ इस वादे के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह पुनः मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, सभी हम उम्र को हाय। अंत में आज इजाज़त और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।